Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज जो YouTube इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली जो SEO एक्सपर्ट्स हैं वो डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो है अभी जो लेटेस्ट चीज जो है वो YouTube जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है वो वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी तकरीबन बहुत सालों से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन थी, लेकिन उसको जो है वो अब यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही खुशायन है। क्योंकि लास्टली जो है वो तकरीबन 8-10 माह से जो है यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम में चेंज किया था, उसकी वजह से खासतौर पर जो बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी जो है वो सर्च में रहना जो है वो मुश्किल हो गया था, उनके चैनल्स को ग्रो नहीं कर रहा था। तो अब जो है वो चाहे किसी के चैनल के सब्सक्राइबर कम हो या किसी के चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा हो या कम हो, वो मैटर नहीं करेगा। इस पॉलिसी के तहत जो है वो हम किस तरह से जो यूट्यूब जो है आप अपने व्यूज को भी बढ़ा सकेंगे, इसको आप इसको समझ कर जो है वो आप फैसला कर सकेंगे। तो इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इसकी पॉलिसी के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा, बल्कि आपके वीडियो किस तरह से वायरल हो सकेगी उसके बारे में बताऊंगा। तो आपकी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर जो है वो देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चल कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसे आप आगाह रह सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है यूट्यूब जो है वो तीन चीजों को मजीद जो है वो अभी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है, जो कि आपके अभी गूगल के जो है एनालिटिक्स में नई चीजें आएंगी, वो इंप्रेशंस हैं और क्लिक्स हैं। उसके बाद यहां पर देखें तो इंप्रेशंस, व्यूज और यहां पर CTR भी आपको बता रहा है, तो, और उसके बाद जो है व्यूज और वॉच टाइम, ये जो हिस्सा है अब बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंप्रेशंस क्या है, जो है उसके बाद जो है CTR क्या है। पहले जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूं और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये मेरी वेबसाइट है और इसका यहां पर मैं इसकी सर्च एनालिटिक्स में आता हूं तो यहां पर जो है बहुत सारी चीजें जो है यहां पर आ रही हैं, लाइक यहां पर इंप्रेशंस आ रहे हैं, CTR आ रहा है और पोजिशंस आ रही हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं इंप्रेशन क्या है। इंप्रेशन ये है, मैं सबसे पहले आपको गूगल से भी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं कंपैरिजन करके साथ दिखाऊंगा यूट्यूब के ऊपर भी। गूगल के मैं सर्च इंजन के ऊपर जाता हूं और यहां पर जाके मैं कुछ भी सर्च करता हूं, लाइक फ्री रजिस्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं जैसे इसके ऊपर यहां पर सर्च करता हूं तो अब यहां पर देखिए मेरे सामने तकरीबन ये 10 वेबसाइट्स आ गई हैं। अब ये जितनी भी यहां पर 10 वेबसाइट्स आए, ये वेबसाइट्स तो खैर यहां पर एड्स लगे हुए हैं, एड्स हैं। अब उसके बाद यहां पर देखिए जितनी भी वेबसाइट मेरे सामने आई हैं, ये तमाम वेबसाइटें जो भी विजिटर है जो सर्च करेगा उसके सामने, उसकी नजरों के सामने ऐसे आ जाएंगी, इनको कंसीडर किया जाएगा कि एक इंप्रेशन मिल गया है, यानी ये हमने गूगल ने उसको जो है वो सर्च करने वाले विजिटर को दिखाई है। अब इन 10 वेबसाइटों को एक एक इंप्रेशन मिल गया है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पेज के ऊपर जाता हूं तो दूसरे पेज के ऊपर अब ये जितनी भी वेबसाइटें मेरी आंखों के सामने आ चुकी हैं, इनको एक एक इंप्रेशन मिल गया है। अब बाकी जो वेबसाइटें मौजूद हैं अगर मैं उनके ऊपर जाऊंगा तो इंप्रेशन मिलेगा उनको, अदरवाइज इनके ऊपर जो भी वेबसाइटें मौजूद हैं उनको इंप्रेशन नहीं मिलेगा। मैं तीसरे पेज के ऊपर जाता हूं तो यहां पर ये जो वीडियो मेरे सामने आई, सॉरी वीडियोस कह रहा हूं, ये जो वेबसाइट मेरे सामने आएंगे इनको एक एक जो है वो इंप्रेशन मिल गया है। अब इसी तरह से मैं आपको लेके चलता हूं यूट्यूब के ऊपर और मैं यहां पर यूट्यूब के ऊपर आ जाता हूं। यूट्यूब के ऊपर आने के बाद मैं यहां पर सर्च करता हूं पाकिस्तान, पाकिस्तानी पॉलिटिकल न्यूज। अब जैसे ही अब देखिए मैंने सर्च किया है पाकिस्तानी पॉलिटिकल न्यूज, अब यहां पर देखिए ये जो वीडियो मेरे सामने आ गई है जिसका थंबनेल मुझे नजर आया है, जिसकी यहां पर मुझे टाइटल नजर आया है, इन तमाम वीडियोस को एक एक इंप्रेशन मिल गया है। यानी इसका इंप्रेशन का मतलब है कि इनको यूट्यूब ने, अगर किसी बंदे ने सर्च किया है तो यूट्यूब ने जो है वो विजिटर को आपकी वीडियो दिखाई है और विजिटर ने आपकी वीडियो को बकायदा देखा है। अब
वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कैसी अच्छी है, उसका थंबनेल कैसा है, कि उसके ऊपर क्लिक करता है या नहीं करता। लेकिन YouTube आपकी वीडियो YouTube की सर्च में आ रही है और YouTube ने जो है वो आपकी वीडियो को दिखाया है, वो चाहे आपकी वीडियो, ये चाहे इंप्रेशन आपको सर्च के थ्रू हो भी हो सकता है। इसी तरह से आपके होम पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, इनका भी इंप्रेशन इंक्लूड होगा। यानी कि जो वीडियोस का टाइटल और थंबनेल अगर आपको नजर आ रहा है तो वो इंप्रेशन होगा। अब हम आ जाते हैं यहां पर क्लिक थ्रू रेट के ऊपर। क्लिक थ्रू रेट क्या है, मैं यहां पर आता हूं, यहां पर भी देखें तो यहां पर लिखा है टोटल इंप्रेशन, यानी कि मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो 220,301 मरतबा गूगल ने जो है उसको विजिटर तक पहुंचाया है, दिखाया है। उसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर आ रहा है टोटल क्लिक्स। अब ये टोटल क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है यूट्यूब जो है वो आपको यहां पर जो है वो यहां पर क्लिक्स का रेट नहीं, यहां पर मे भी बताए कि कितने क्लिक्स हुए हैं क्लिक्स का नहीं, लेकिन यहां पर जो अभी यूट्यूब ने यहां पर शो करवाया है वो 1.5% है। यानी कि यहां पर मेरा यहां पर देखिए एवरेज CTR है वो 12.77 है। यानी कि इस ये जो जितने इंप्रेशन मिले हैं उसमें से 25,837 मरतबा क्लिक हुआ है, और इसकी एवरेज निकाली जाए तो एवरेज क्या बनती है 12.77%। यानी जो एवरेज निकलेगी उसको हम CTR बोलेंगे। तो YouTube जो अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है उसमें यहां पर जो अभी उसने अपने ब्लॉग के ऊपर हमें व्यू दिखाया है उसमें उसने परसेंटेज निकाली है। इस तरह से यहां पर जैसे टोटल क्लिक्स आ रहे हैं, ये क्लिक्स नहीं दिखा रहा है बल्कि परसेंटेज CTR दिखा रहा है। तो अब मैं यहां पे आता हूं और आपको समझाता हूं। तो यहां पर देखें जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, अगर मैं इसके किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूं तो इट्स मीन इसका एक क्लिक भी कंसीडर हो जाएगा, जो यहां पर देखें जिस तरह से क्लिक्स आ रहा है। तो यहां पर आपको YouTube जो है अपनी नई पॉलिसी में बताएगा कि आपको कितने इंप्रेशन मिले हैं, यानी आपकी कितनी वीडियोस को जो है YouTube ने है लोगों तक पहुंचाया है, उसके बाद कितने परसेंट लोगों ने आपकी वीडियोस के ऊपर जो है वो क्लिक किया है। जिस तरह से ये देखें मैंने पाकिस्तान पॉलिटिकल न्यूज यहां पर सर्च किया है, अब ये देखें बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आ गई हैं। अब अगर मैं यहां तक ही आता हूं तो अब यहां पर देखें 1, 2, 3 और 4, ये चार वीडियोस को इंप्रेशन फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो अब क्या होगा, ये तीन वेबसाइटें स्किप वीडियोस जो है वो स्किप हो जाएंगी। यानी कि मैं अब इस वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देता हूं तो इसको एक क्लिक मिल गया है, ठीक है। बाकी तीन वीडियोस को सिर्फ इंप्रेशन मिला है, क्लिक नहीं मिला है। तो यहां पर YouTube आपको ये भी दिखाएगा कि आपको कितने परसेंट वीडियोस को आपको लोगों तक पहुंचाया है हमने, और उसके बाद जो है क्लिक थ्रू रेट जो है वो कितने लोगों ने जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है उसके बाद जो है आपकी, अब मैं आपको इसका अब बताने जा रहा हूं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से आपको बेनिफिट होगा इस तमाम नई पॉलिसी से। अब जो है गूगल का तरीका कार क्या था, किसी भी, अब मैं यहां पर आता हूं, मैं फ्री सॉफ्टवेयर लिखता हूं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर मैं जैसे सर्च करता हूं तो देखें बहुत सारी वेबसाइटें, यानी कोई नीचे है कोई ऊपर है, ठीक है। अब जो है अगर ये वीडियोस यहां पर देखें, अगर ये वेबसाइट मौजूद है, अगर मैं इसके ऊपर लोग यहां पर आते हैं और सर्च करते हैं, ये ऊपर पड़ी हुई है वेबसाइट, ये तो खैर एड्स है, ये वेबसाइट ऊपर मौजूद है, लेकिन लोग आते हैं और इसी के ऊपर क्लिक करते चले जाते हैं। अब YouTube देखेगा कि इसको भी इंप्रेशन मिल रहे हैं, इसको भी इंप्रेशन मिल रहे हैं, लेकिन इसके निस्बत लोग इसके ऊपर ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्लिक करते हैं, तो YouTube क्या करता है, Google क्या करता है, इसको ऊपर ले जाता है और इसको नीचे कर देता है। यानी कि इसी तरह से अब YouTube के ऊपर चला जाएंगे, YouTube के ऊपर अगर जो है फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं न्यूज पाकिस्तान, ठीक है, अब मैं कुछ भी सर्च करता हूं, अब अगर यहां पर देखें तो YouTube ने जो है अब जो है यहां पर वीडियोस जो है वो शो करवा दी हैं, ये ऊपर आ रही हैं, ये नीचे जा रही हैं। अब कोई अगर पाकिस्तान न्यूज के नाम से सर्च करता है, YouTube वीडियोस को दिखाता है, अब ये जो वीडियो है लोग जब भी आते हैं देखते हैं, यार इसका जो थंबनेल है काफी अट्रैक्टिव है और इसका टाइटल भी अच्छा है, लोग इसके ऊपर ज्यादा क्लिक करते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर ज्यादा क्लिक करते हैं तो YouTube देखेगा,
इस पॉलिसी के तहत इस पॉलिसी में जो चीज चलती है वो ये है कि इस वीडियो के ऊपर ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, इंप्रेशन इनको भी मिल रहे हैं, इनको भी मिल रहे हैं, जबकि इनके इंप्रेशन की निस्बत इसको ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं। YouTube क्या करता है, इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर भी और YouTube के इम्प्लीमेंटेशन क्या कर जा रहा है कि इस वीडियो को टॉप के ऊपर ले आएगा, इसको नीचे करता चला जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा आपको क्लिक्स मिलेंगे YouTube उस वीडियोस को ऊपर लेके जाएगा। अब इसके अलावा जो है कि YouTube के ऊपर एक और चीज मैटर करती है और वो मैटर करती है इसके व्यू, इसका वॉच टाइम और लाइक्स। उसके बाद जो है लाइक्स के बाद भी जो है आपके क्लिक्स के बाद भी ये भी YouTube देखेगा कि जिसके ऊपर लाइक क्लिक्स ठीक है उसके लाइक्स और वॉच टाइम ज्यादा है उस वीडियोस को भी टॉप के ऊपर लेके आएगा। तो इस क्योंकि आप बहुत से लोग जानते होंगे कि जो YouTube ने है वो लास्टली जो है वो एक तरह एल्गोरिथम में चेंजिंग कर दी थी कि कोई भी YouTube के ऊपर सर्च करता था तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको जो है वो उनकी वीडियोस को ज्यादातर जो है वो सर्च में नहीं लाता था, क्योंकि YouTube इस चीज को समझता था कि जो न्यू क्रिएटर आ रहा है जिसके सब्सक्राइबर कम है उसको ऊपर आना चाहिए, जबकि उसको भी विजिटर मिलने चाहिए, उसको सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, जबकि जो ऑलरेडी लाखों के हिसाब से सब्सक्राइबर रखते हैं तो डेफिनेटली उसको विजिटर जो है वो सब्सक्राइबर से ही मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर जिसके पास 8 लाख सब्सक्राइबर है तो डेफिनेटली उसके एक्टिव सब्सक्राइबर भी 40-50 हजार होंगे, और अगर वो कोई वीडियोस को अपलोड करेगा तो 40-50 व्यूज उसको मिल जाएंगे, जबकि न्यू जो क्रिएटर है उसको नहीं मिलेंगे। तो YouTube क्या करता था जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको ऊपर लेके आता था, और जो ओल्ड जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस जो है मोस्टली तौर पर जो है वो सर्च में नहीं आती थी। तो अब जो है YouTube ने ये जो नई पॉलिसी चेंज कर रहा है इसमें डेफिनेटली जो चाहे वो यूट्यूबर बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, यूट्यूबर जो है वो अब जो है वो डिटरमिन इसी बात से करेगा कि जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस के ऊपर हमने जो इंप्रेशन दिखाए हैं इंप्रेशंस के हिसाब से जो वीडियोस जो हैं ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, वॉच टाइम और लाइक्स अच्छे हैं उनको टॉप पे लेके आएगा। दूसरी वीडियोस जिनके ऊपर इंप्रेशन मिल रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं हो रहे हैं वो चाहे कोई बड़ा चैनल है ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके 2-2 मिलियन व्यूज क्यों ना हो, उसको YouTube जो है उसकी वीडियोस को डाउन कर देगा, उसकी रैंकिंग को लूज कर देगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका जो थंबनेल है वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसी के साथ उसका जो आपका टाइटल कैसा रखते हैं, और उसके इसमें जो है आपका डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स भी जो है वो मैटर करेंगे, क्योंकि अब जो है ये जो सर्च आएगी डेफिनेटली जो सर्च फर्स्ट टाइम आएगी वो आपकी SEO के बेस के ऊपर बेस करेगी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो है इसने ऑलरेडी वेबसाइट्स के ऊपर रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी, अब उसको YouTube के ऊपर भी कर दिया गया है। तो अब जो है इसके हिसाब से आप अपनी जो है वो वीडियोस को वायरल कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप देखते हुए जो है वो अपनी वीडियोस को SEO की करें, उसके हिसाब से उसकी जो है वो अपनी डेटा जो है डेटा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखें। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।